बॉलीवुड के एक ऐसे हीरो जिन पर लड़कियां एक समय में हद से ज्यादा मरती थी, और वह कोई और नहीं, वह थे सबके दिलों की धड़कन राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की शादी वैसे तो डिंपल कपाड़िया के साथ हुई, पर क्या आपको पता है राजेश खन्ना भी डिंपल से पहले एक खूबसूरत हीरोइन पर लट्टू थे और उसके साथ शादी करना चाहते थे। तो आखिर कौन थी वो हीरोइन, चलिए बताते हैं। दिसंबर 1942 को गुलाम भारत के अमृतसर शहर में जन्मे राजेश खन्ना बचपन से ही कला प्रेमी थे। पढ़ने के साथ लुक में भी राजेश खन्ना अच्छे अच्छों को मात देते थे, और इसी कॉन्फिडेंस में राजेश खन्ना मुंबई में फिल्मी हीरो बनने चले आए। 24 साल की उम्र में राजेश खन्ना को बतौर हीरो फिल्म आखिरी खत में काम मिल गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महाफ्लॉप साबित हुई, लेकिन राजेश खन्ना रुके नहीं। जी हाँ, वो लगातार मेहनत करते रहे, कुछ फिल्में की जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप रही। फिर साल आया 1969, जब राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने लगी। राजेश खन्ना की 2 साल में लगातार 15 फिल्में सोलो हिट रही। 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी दशक की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजेश खन्ना इसी दौर में एक सुपरस्टार के तौर पर साबित हुए। राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग इतनी थी कि लड़कियां उन्हें देखने को मरती थी। इस समय राजेश खन्ना खूबसूरत हीरोइन अंजू महिंद्रू के प्यार में थे। राजेश खन्ना और अंजू महिंद्रू का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजा करते थे। दोनों करीब 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। राजेश खन्ना और अंजू के रिश्ते के बीच वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबर्स दरार की एक बड़ी वजह बने। दरअसल राजेश खन्ना शादी की तैयारी में थे और अंजू के साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान अंजू के रिलेशनशिप की खबरें क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ चलने लगी। जब राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो वे आग बबूला हो गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने आनन फानन में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। वैसे अपने रिश्ते के टूटने के बाद अंजू महिंद्रू ने स्टार डस्टर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना बेहद दक्यन उसी विश्वास के आदमी थे, लेकिन हमेशा ही मॉडर्न लड़कियों को पसंद करते थे। इसी कंफ्यूजन में हमारा रिश्ता तार तार हुआ। अगर मैं स्कर्ट पहनती थी तो वे कहते थे कि साड़ी ज्यादा ठीक है, और जब मैं साड़ी पहनती थी तो उन्हें स्कर्ट पहनने की सलाह दिए करते थे। तो इस तरह से अंजू के अपने दावे थे और राजेश खन्ना के अपने कुछ फैसले, और यही वजह है कि 7 साल तक लंबा चला ये रिलेशनशिप जीवन भर साथ नहीं रह पाया और बीच में इसमें दरार आ गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंजू ने कुछ अलग ही बात कहकर सभी को चौंका कर रख दिया। तो कैसा लगा आपको बॉलीवुड का ये किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए आप देखते रहिए KBC न्यूज़।